हे गाइस, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे और अपने अपने घर पे। गाइस, एक बात इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, अभी जो आप लोग देख रहे हो, हालांकि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने ग्रुप में लगभग 2 बजे ही पोस्ट कर दिया था, या 1:30 बजे कह लूँ, 1:30 बजे ही पॉडकास्ट पोस्ट कर दिया था, मैंने देखा भी था। लेकिन आप लोगों ने इसके साथ एक क्वेश्चन मार्क छोड़ा था गाइज, कि सर आप पहले ये पता कर लो ये सच है या नहीं है। तो गाइज, मेरे पास 2 ऐसे टीचर संपर्क में थे जिनसे मैंने बात की, तो उन्होंने बोला कि हालांकि मेरे स्कूल में ये नोटिस अभी नहीं आई है। इसका ये मतलब नहीं कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसी बातें नहीं है गाइज। जैसा कि आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पर क्लियर लिखा गया है के ये पूरी प्रमाण पत्र आपकी नहीं है, ये पूरा पीडीएफ आपके पास नहीं लगा है, मेरे यहाँ तो नहीं लगा है। अभी बोर्ड के द्वारा कुछ ही पत्र रिलीज किए गए हैं, कुछ और पत्र रिलीज किए जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि 11,000 बच्चों में 30 टोटल एवरेज 30% बच्चों का एवरेज 30% बच्चों का अपडेट नहीं हो रखा है गाइज। तो ये टोटल 30% नहीं है, 11,000 का 30% आप मैक्सिमम निकालते हो तो वो 3500 के समथिंग आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर पूरा वो अपडेट नहीं हो रखा है। तो आप लोग वहाँ पर जाइए तो अभी आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन आएगी, जैसे ही आएगी मेरे पास तो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, या आपके पास आएगी तो आप हम तक पहुंचाने की कोशिश करोगे। पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा कि आपको कैसे आपका रोल नंबर देखना है और क्या आपने गलत किया है, क्या आपके पास ये अपडेशन है या नहीं है, तो सारी की सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और ये भी बता दूंगा कि ये सही नहीं है तो आपका सही वाला कब तक आएगा, जिसमें आप पूरा देख सकते हो। सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ग्रुप में आप लोग जो गाली गलौज कर रहे हो, ये बहुत ही घटिया चीज़ है गाइज। इतना लो लेवल का माइंडसेट आप लोगों का है कि मैं सोच भी नहीं सकता था। हालांकि आप लोगों बाहर कर दिया है, अगर वो ग्रुप में फिर से आना चाहते तो उनका स्वागत है, लेकिन एक शर्त है कि ग्रुप में अगर कोई आपका हेल्प मांगता है तो आप वहाँ पे हेल्प करते हो। अगर कोई बच्चे 75% से क्वेश्चन पूछते हैं आपको तो आप उसका आंसर करते हो, ना कि उसके सामने हंसने का इमोजी बनाकर कहते हो कि तुमको तो नहीं मिलेगा, थोड़ा और मेहनत कर लेते। ये सारी बातें नहीं, अगर आपका परसेंटेज उतना होता तो आप भी अभी उसी तरह बौखला रहे होते या मीन्स परेशान होते जिस तरह से 75 पहले परेशान है। ये बात सही है या नहीं आप पहले मुझे कमेंट में बताना, देन उसके बाद मैं आपको कुछ करूँगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में हालांकि हूं। अगर आप लोगों ने इस बार कुछ उल्टा सीधा किया तो मैं सीधा और सीधा उस ग्रुप में एक ही इंफॉर्मेशन करूंगा, और वो भी एडमिन का। एक एडमिन ही उसमें पोस्ट कर सकता है, यानी केवल मैं ही पोस्ट कर सकता हूं, और 2-3 बच्चों जिन्होंने जिस पे मुझ पे भरोसा है उनको मैं एडमिन बनाकर छोड़ दूंगा। उसके बाद आप लोग केवल देख सकते हो, पोस्ट नहीं कर सकते हो। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपका प्रॉब्लम मुझ तक पहुंचे या आपके ज़िले के कोई बच्चे तक पहुंचे, तो ये घटिया काम बिल्कुल पहले मत करना। आओ इन्फॉर्मेशन दे लेता हूं। यहाँ पे क्लियर लिखा गया कि दिनांक 19 तारीख 10/10/2020 के अनुसार रिपोर्ट के अनुसार केवल 57% विद्यार्थियों के बैंक खाते अपडेट हुए हैं, यहाँ पे यह कहा गया था। लेकिन जब पूरी इन्फॉर्मेशन अभी आप पता करोगे तो आपको उन 11,000 का अपडेट नहीं हुआ है। एक बात आप समझ लो कि 11,000 बच्चे अपडेशन में नहीं है, उन 11,000 में 30% अपडेट है। ये बातें स्कूल से मुझे पता चल रही है कि 30% बच्चों का नोटिस उनके पास आ रखा है। तो अब आपको कैसे पता करना है कि आपका सारा चीज़ सही है? अब आप लोग एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन कर रहे हो गाइस, कि वो कन्फ्यूजन ये है कि आप लोग से केवल अपना अकाउंट नंबर देख रहे हो और सोच रहे हो कि मेरा तो सही है, मेरा आ जाएगा। 4 अक्षर लास्ट के डिजिट शो करा रहे हैं, वहाँ पर आपको आईएफएससी कोड नहीं शो करा रहा है, ना ही आपका आधार शो करा रहा है, ना ही आपका आधार से बैंक अकाउंट लिंक है, क्या आपने पापा का अकाउंट दिया, ये भी प्रॉब्लम क्रिएशन कर रही है या नहीं। तो ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको अपने स्कूल से पता चलेंगे। आपके स्कूल में वो लिस्ट आ चुकी है जिन बच्चों का अकाउंट नंबर दोबारा से मांगा जाना है। तो जिनका मांगा जा रहा है समझो उन्होंने गलत कर दिया, और जिनका नहीं मांगा जा रहा है वो समझो कि सही है। और ये कभी मत सोचना कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं नहीं जाऊँगा या मैं ऑनलाइन सर से फ़ोन करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले आप जाकर खुद से लिस्ट देखो, खुद से तसल्ली करा लो, अन्यथा आपका छूट जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो आप सारे के सारे एक बार स्कूल जाओगे, उसके बाद किसी तरह का प्रॉब्लम होगी तो आप लोग ग्रुप में आकर कमेंट करोगे, एक दूसरे से बातें करोगे, गाली गलौज छोड़ दो। अन्यथा मैं एक बार फिर से वार्न करता हूँ कि आपको उस ग्रुप तो बंद नहीं करूँगा गाइज, लेकिन आपको उस ग्रुप से हटा दूंगा। और अगर आप उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पे गाली गलौज करते हो तो आप एक गाली करने वाले हो, मुझे पता है कि मेरे पास कितने बच्चे हैं। तो आई होप कि आप ऐसा काम गलती से भी नहीं करोगे। हालांकि एक बच्चों ने किया, लेकिन मैंने उसे वार्निंग देकर शो छोड़ दिया। उसने कहा था
कि मैं ये स्क्रीनशॉट पब्लिक करूंगा, तो मैंने खुद बोला था कि जाओ ये स्क्रीनशॉट पब्लिक कर लो, क्योंकि उसने गंदगी फैला रखी थी ग्रुप में और उसे मैंने निकाल दिया था, बाद में उन्होंने सॉरी बोला। तो अगर आप फिर से एक बार कहता हूँ ग्रुप में आना चाहते हो तो आपका स्वागत है, लेकिन अगर गंद फैलाओगे तो मैं निकाल दूंगा, ये बात आप कन्फर्म रखना। यह इन्फॉर्मेशन थी, स्कूल जरूर जाना, स्कूल के बाद आना, उसके बाद बताना क्या जानकारी है क्या जानकारी नहीं है। जो मेरे पास आएगी मैं आप तक पहुँचाऊँगा, जो आपके पास आएगी वो मुझ तक पहुँचाएंगे, सारे भाई मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद। 5 मिनट की वीडियो बन गए भैया हो।